जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यूहन्ना 15 अध्याय का 7वें वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन तुम्हारे अंदर रहना है, तू मेरे अंदर बने रहना, इसका मतलब क्या है? मैं और तुम एक दूसरे में मिले रहना है, हालेलुया, हमारे रिश्ते सही रहना है, हमारे संबंध रहना प्रभु में और हमारे बीच में संबंध जैसे डाली और पेड़ के नीचे के जो संबंध है वैसे रहने से आप जो कुछ मांगने से प्रभु देंगे, आमेन। तब उसका संबंध जो जीवन है उसमें सही रहना है, जीवन का प्रार्थना में संबंध है, उसको सही करके प्रभु के लहू से धोए जाना है, शुद्धता में पवित्रता में आज प्रभु के पास प्रार्थना करने से जरूर हमारा प्रार्थना को प्रभु सुनेगा, हालेलुया। उसी को भजन 66 के 18 में देखते हैं, मेरा जो विचार सोच विचार में गंदगी है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनता है? विचार ठीक नहीं है, जीवन ठीक नहीं है। प्रार्थना और जीवन दोनों में मेल मिलाप होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 45 वचन में देखिएगा, तब तुम लौट कर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। कारण क्या था? संबंध नहीं था, परमेश्वर ने मना किया लेकिन जल्दीबाजी किया जाने के लिए, इन्होंने मनमानी किया तो परमेश्वर ने मना किया था लेकिन नहीं माना, लेकिन जो है जिद्दी रहे, वो जिद्दी करके गए। क्या हुआ था? वे सब भगाए गए, दौड़ करा कर रोया तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको पहले ही मना किया था, नहीं जाना था, लेकिन वो उन्होंने विनती की, प्रभु ने कहा नहीं मानूंगा, हालेलुया। तो जीवन और प्रार्थना में संबंध रहना चाहिए, तबे प्रार्थना का प्रभु सुनेंगे, हालेलुया। ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करने से आप यदि दरवाजा खटखटाएंगे हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुन के उत्तर देंगे, हालेलुया, हालेलुया। सबको सही करके परमेश्वर के वेदी के पास आने से अर्पण करने से आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनेंगे, आपकी दुआओं को सुन के परमेश्वर जागृति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, सभी प्रार्थना को प्रभु सुन के प्रभु आपको उत्तर देगा, हालेलुया, आमेन।